वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो अगर आपको जोसा या सीएसईबी के अंदर सीट नहीं मिली या फिर आप अपनी मिली हुई सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके लिए जीएफटीआई स्पॉट राउंड काउंसलिंग ओपन हो चुकी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक होने वाली है। अलग अलग कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग है वो अलग अलग डेट पे होगी। कॉलेज की वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी एंड काउंसलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो आपको इस काउंसलिंग में बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप वो कॉलेज और ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि जोसा और सीएसईबी के थ्रू दूर दूर तक पॉसिबल नहीं थी। इस काउंसलिंग में एससी और एसटी वाले बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि उनकी सीट खाली नहीं होती हैं। वो बच्चे एडमिशन अपना नहीं छोड़ते मैक्सिमम क्योंकि हाई रैंक पर एडमिशन होता है। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर आपकी रैंक 8 लाख, यहां तो मैंने 8 लाख लिख बस रखा है, इवन अगर आपकी 9 या 10 लाख रैंक भी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो आप जीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हो। आपके चांस बनते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना और शेयर करना क्योंकि इस एक वीडियो से किसी का एक साल खराब होने से बच सकता है, तो शेयर जरूर करना। और एक बात, जीएफटीआई की स्पॉट काउंसलिंग में आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं दिया जाता, 1 से 2 दिन का ही नोटिफिकेशन आता है और इतने में काउंसलिंग खत्म हो जाती है। तो आपको यहां पे एक्टिव रहना होगा। जो कॉलेज की वेबसाइट है उसमें आपको स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन मिलेगा, अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर। कॉलेज के हिसाब से अलग अलग काउंसलिंग होगी, तो आपको इनकी वेबसाइट पे चेक करते रहना होगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। जैसे जैसे डेट्स आएंगी, जैसे जिन कॉलेजेस की डेट्स आ चुकी हैं वो मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। वीआईटी पटना, मिश्रा, देवघर, इनके लिए रजिस्ट्रेशन 22 से 25 तक चलने वाले हैं। तो जैसे जैसे डेट्स आएंगी वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते रहेंगे कॉलेज के हिसाब से। लेकिन इन सभी कॉलेजेस में स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो है वो 30 अगस्त तक खत्म हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। जैसे जीजीयू बिलासपुर है, इसका रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा और 6 सितंबर को इनका सीट अलॉटमेंट आने वाला है। तो इसी तरह अलग अलग कॉलेज की अलग डेट है, आपको इसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जीएफटीआई का स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्लान जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं। वो आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देंगे अपने लेवल पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉलेज है IIIT भुवनेश्वर, इसमें ईसी और IIIE ब्रांच के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी होती है और कम रैंक पे एडमिशन हो जाती है। तो IIIT भुवनेश्वर, BIT मिश्रा, BIT पटना, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। घानी खान है वेस्ट बंगाल के अंदर, इसमें काफी कम रैंक पे एडमिशन हो जाता है, मतलब 8-10 लाख रैंक है तो भी आपको मिल जाएगा मैकेनिकल सिविल वगैरह। CSBTU भिलाई है जो कि बच्चे CS के लिए जाना चाहते हैं, जिनको CS चाहिए उनके लिए बहुत कम रैंक पे 5-5 लाख रैंक पे हो जाने वाला है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, काफी कम रैंक पे मिल जाती है। SMVDU जम्मू है, यहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। GGU बिलासपुर के अंदर आपको 8-8-9-9 लाख रैंक पे मिल जाएगा। GKV हरिद्वार, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी एंड CIT के कोकराझार, ये तीनों कॉलेज असम के अंदर है और इसमें भी काफी कम रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाता है। असम यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर में बहुत कम रैंक पे, मतलब JEE बस दिए हो तो एडमिशन हो जाना है, ठीक है ना। इसके बाद स्लाइट लोंगोवाल है पंजाब के अंदर, इसमें 2022 में काउंसलिंग नहीं हुई है स्पॉट की, इस बात को ध्यान रखना, स्टार करके रखते हैं इसको। इसके बाद CU जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, यहां पे भी स्पॉट राउंड आपको मिलेगा। टोटल मैंने 15 कॉलेज यहां पे मेंशन किए हैं। IIIT नया रायपुर भी था लेकिन वो काउंसलिंग 19 अगस्त को खत्म हो गई है तो उसको अपन यहां पे इंक्लूड नहीं किए। अब प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का, कॉलेज तो मैंने आपको 15 बता दिए, अब प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ कॉलेज की, वहां रजिस्ट्रेशन करो, उसका फी पेमेंट करो, इसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करो, फिर जो सीट अलॉटमेंट है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। जैसे भुवनेश्वर के अंदर ऑनलाइन होता है, VIT मिश्रा में ऑनलाइन होता है, IIIT नया रायपुर में ऑफलाइन होता है, GGU बिलासपुर में ऑफलाइन होता है, आधा प्रोसेस ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे या फिर आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन या फिर पूरा ऑफलाइन करेंगे, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे SMVDU जम्मू जो है वो पहले ऑनलाइन करता था, अब पूरा प्रोसेस ऑफलाइन करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका होगा और इसके बाद सीट कंफर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस एकदम बेसिक सा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट, JEE मेन का रिजल्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट जो सेंस CSEBI वाला है, एंड आपकी कोई कैटेगरी लग रही तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि काउंसलिंग में आपके लगने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, अगर काउंसलिंग ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करना है, और अगर वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करिए फिर ऑफलाइन रिपोर्टिंग करिए तो आपको वो करना है, और पूरा ऑफलाइन है तो आपको पूरा कॉलेज जाके ऑफलाइन करना होगा। तीनों मोड होते हैं काउंसलिंग के।
लिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की वेबसाइट से ही पता चलेगी या फिर आप हमारी टीम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा फर्दर गाइड करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप GFTI स्पॉट राउंड के लिए अपनी सीट जो है बुक करवा सकते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए इनरोल कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में बताया, 15 कॉलेज बताएं, प्रोसीजर बताएं, डॉक्यूमेंट्स बताएं एंड सभी की डेट्स वगैरह भी आपको मैंने बता दी। 30 अगस्त तक पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद उम्मीद मत रखना, इसका भी ध्यान रखना। 21 अगस्त से स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक चलने वाला है। तो ये वीडियो शेयर करो क्योंकि एक वीडियो किसी का एक साल बचा सकती है। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको आगे फर्दर गाइड करते रहेंगे। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।